हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और अभी है दोपहर का टाइम। मैं दोपहर का खाना खा रही थी और मैंने बनाया था चुकंदर गोश्त, और उसके साथ मैंने बनाए थे सादे चावल। वैसे चुकंदर कीमा, चुकंदर गोश्त या चुकंदर कीमा के साथ पालक डलती है तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे खाने में। चुकंदर गोश्त तो अक्सर जो है ना हमारे यहाँ चुकंदर बनते रहते हैं, यानी चुकंदर गोश्त, चुकंदर कीमा या पालक डाल के जैसे भी, तो हमें पसंद है खाने में। यार मैंने दोपहर का खाना खा लिया था और मिशी बाबा के साथ बाहर गई हुई थी सामान लेने के लिए, और ये सारा सामान लेकर आई थी। तो अभी मैं यही चेक कर रही थी। क्रीम थी फ्रेश नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम, और इसका टेस्ट अच्छा है। वैसे ये 1 kg का पैकेट 200 यानी 200 का मिला है, और मैंने इसका केक भी बनाया था, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा है इसका। और जो लोग केक बनाते हैं तो वो ये क्रीम ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है और टेस्ट भी अच्छा है। ये कुमेल का घी, ये भी मैंने यूज़ किया है, इसकी भी खुशबू और टेस्ट अच्छा है। वैसे पिछला व्लॉग जो मैंने शेयर किया था उसमें मैंने शॉप भी दिखाई थी नूर स्पाइसेस, और उसके अलावा मार्केट पूरी बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स, केक का सामान, बिस्किट्स वगैरह ज़्यादा जो है ना वो अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं और सही प्राइस में मिल जाते हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ से सामान आता रहता है और सामान जो है ना थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो फिर मिशी फिर लेकर आ गई थी, क्योंकि हम लोग केक वगैरह बिस्किट्स वगैरह जो है ना वो बनाते ही रहते हैं घर में। और जो लोग अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में लेना चाहते हैं तो इस मार्केट का ज़रूर विज़िट करें, वाटर पम्प के करीब है। और कज़न ने ब्राउनी भेजी थी, मैंने वो खाई थी, और उसके बाद शाम के टाइम में हम बना रहे थे यहाँ फ्रिचिनो। यहाँ मिशी जो है ना कॉफ़ी बनाने में कामयाब हो गई है। वैसे ये 10 मिनट में तैयार हो गई थी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें 2 चम्मच हमने पानी लिया था और 5 चम्मच चीनी, और उसके अलावा 4 चम्मच कॉफ़ी। वैसे साशे लिए थे, वो भी 4 चम्मच के बराबर ही होते हैं। अगर साशे नहीं है तो 4 चम्मच कॉफ़ी डाल के इसे मिक्स करना शुरू कर दें। वैसे बैठे बैठे काम अच्छा है कि आराम से कॉफ़ी चीनो 10 मिनट में तैयार हो जाती है, बस तेज़ तेज़ हाथ चलाना पड़ता है। और उसके बाद बीट करते 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 इस तरह से ये हो गई है। दूध मैंने गर्म पे रख दिया था पकने के लिए, और थोड़ी सी कॉफ़ी मैंने दूध में मिक्स कर दी थी ताकि टेस्ट इसका अच्छा आ जाए। दूध में मैंने चीनी मिक्स नहीं की थी, खाली कॉफ़ी मिक्स की थी, और उसके बाद कप में मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाली है। कॉफ़ी वैसे अपने टेस्ट के हिसाब से ही जो है ना वो ऐड होती है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग पीता है, कोई लाइट पीता है, इस वजह से। और यहाँ कॉफ़ी मैंने कप में डाली थी पहले। ये कॉफ़ी बहुत थिक हो जाती है तो इसे चम्मच सब जगह से फैला लिया था, और उसके बाद अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है और ऊपर से मैं थोड़ी सी कॉफ़ी डाली हूँ। वैसे ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसे चम्मच से निकालना और इस तरह से करना, लेकिन खैर गर्म थी कॉफ़ी तो मैंने इस जो है ना वो कॉफ़ी में ही डाल के इसे फैला लिया था, और ऊपर से मैंने थोड़ी ही कॉफ़ी डाली थी। वैसे अगर आप चाहें तो अपने लिहाज से इसमें ज़्यादा कॉफ़ी डाल के भी पी सकते हैं। तो कॉफ़ी चीनो जो है ना वो तैयार हो गई है। वैसे एक हफ्ते से सर्दी ज़्यादा हो गई है कराची में, तो यहाँ सर्दी में गर्म गर्म कॉफ़ी को एंजॉय किया। और उसके बाद मैंने मंगाए थे थोड़ी देर बाद फ्रेंच फ्राइज़, में गैलरी में चली हुई थी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी फ्रेंच फ्राइज़ की तो मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने मंगवा ली और इसे एंजॉय किया। और उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे, यहाँ दोपहर का टाइम था, थोड़ा सा फ्राई अंडा था वो यहाँ पर रखा था, तो यहाँ मिशी जैसी रख रही थी वैसे ही चील आ गई। यहाँ स्लो करके भी मैंने वीडियो दिखाई है, ऐसा लगता है इसे पता नहीं कहाँ से इसे पता चल जाता है, या फिर ये बैठी हुई देख रही हुई होती है कि अब जो है ना वो कब खाना रखा जाएगा, मैं फ़ौरन जाऊँगी। तो जैसी रखा वैसी आ गई थी, और उसके बाद जो बचा कवे ने उठा लिया, और उसके बाद जो दूसरा बचा था वो दूसरे कवे ने उठा के यहाँ से ले गया था। वैसे रखा कवे के लिए था और ले गई थी चील, और ये दो यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाया था कवों ने यहाँ पे घोंसला बनाया हुआ था, खैर वो तो चले गए थे, उसके बाद वो चले गए थे, घोंसला हटा दिया था, और फिर ये नए आ गए, और उन लोगों ने तो खैर गैलरी में खड़ा होना भी हमारा मुश्किल कर दिया था। जब घोंसला बनाया था तो काफ़ी जो है ना वो मुश्किल हो गई थी, हम लोग खिड़की में भी खड़े नहीं हो सकते थे। वो चले गए थे, फिर ये नए आ गए। और वैसे भी परिंदों के लिए खाना और पानी लाजमी रखें, ये भी सदका है, और इसलिए ज़्यादातर परिंदे यहाँ पे बैठे रहते हैं खम्भे पर, और फजर की अज़ान के बाद से मगरिब की अज़ान तक इनकी आवाज़ें लगती रहती हैं खाने के लिए, या कुछ ना कुछ हम लोग रखते रहते हैं। तो लाजमी जो है ना परिंदों के लिए खाना रखे। उसके बाद रात के टाइम में मैं बना रही थी चिकन बर्गर। वैसे मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने चिकन चपली कबाब बनाए थे, और जो बच गए थे मैंने फ्रीज़र कर दिए थे, उसी को मैंने फ्राई किया है और उसी के मैं बर्गर बना रही हूँ। ये होता है कि कोई भी कबाब बना के रख लो, आसानी रह जाती है, जब मूड करे निकालो फ्राई करो, कभी बर्गर बना लो, कभी पराठा रोल या कभी सैंडविच वगैरह, तो आसानी हो जाती है। आज मैं बना रही थी बर्गर, क्योंकि आज मूड नहीं हो रहा था सालन रोटी या चावल वगैरह खाने का, तो मैंने सोचा आज बर्गर ही। तो ये बर्गर मैं अपने लिए बाबा के लिए बना रही हूँ, वैसे छोटी सिस्टर ने अपने लिए अलग बनाया था थोड़ा अलग करके। वैसे बर्गर में अपने अपने टेस्ट के हिसाब से भी जो ना वो क्रिएशन कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें या सॉसेज ऐड करके।
तो यहाँ बर्गर तैयार हो गए हैं और उसके बाद हमने बर्गर को एंजॉय किया, बहुत ही मज़े के बने थे। और उसके बाद लेट नाइट जुबी ने बनाई थी मीठी सेवइयाँ दूध डाल के, वैसे इसमें मेवा नहीं डालता लेकिन वैसे भी फिर भी ये टेस्ट में अच्छी लग रही थी, और कभी कभी ऐसे भी बना के खाओ तो अच्छा ही लगता है। उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे, और यहाँ मैं सीरम और आई मास्क का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। वैसे ये मैं खुद यूज़ कर रही हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये ऑल टाइप स्किन है डर्मा शाइन का सीरम, और वैसे इसके प्राइस 1200 के हैं। ये मैंने मंगाया था और मैं यूज़ कर रही थी तो मुझे रिज़ल्ट अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन हो जाती है और उसके अलावा ब्राइटन एंड ग्लोइंग। ये मैंने लगा के भी दिखा दिया है, जहाँ सीरम लगा है वो स्किन शाइनी और ग्लोइंग लग रही है और उसके अलावा बाकी फुली ड्राई है। तो इस तरह का इसका रिज़ल्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है और मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, आधे से ज़्यादा तो मैंने यूज़ ही कर लिया है। जो लोग सीरम यूज़ करते हैं और स्किन को जो है ना वो सही रखना चाहते तो ये सीरम यूज़ कर सकते हैं। इससे रंग साफ नहीं होगा लेकिन जैसे लिखा हुआ है फेयरनेस, तो कलर बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होता, लेकिन ये है कि बस स्किन जो है ना वो अच्छी हो जाती है, बस उन्हें बीस ही फ़र्क पड़ता है। वैसे भी सीरम से इतना ज़्यादा जो है ना वो कलर पे यानी फेयरनेस जो लिखा हुआ होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा है और जो लोग यूज़ करते हैं तो ये सीरम भी यूज़ करके देखें, अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये है बायो एक्वा का आई मास्क, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये भी आधे हो गए हैं और इंस्टेंट रिज़ल्ट है इसका डार्क सर्कल के लिए। इसे 10 मिनट लगा के रिमूव कर लें और उसके बाद इसी से जो है ना थोड़ी देर मसाज कर लें, मुँह नहीं धोना, बस ये कि इसे इस तरह से हल्का सा मसाज करके और फिर उसे छोड़ दें 1 घंटे के लिए, और 10 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं लगाना, इस पर लिखा हुआ भी है। और वैसे ये लगाने से बहुत सुकून मिलता है, इतना ठंडा ठंडा लगता है और कभी कभी तो नींद भी आने लगती है और कभी कभी नींद आ भी जाती है। खैर, इंस्टेंट रिज़ल्ट है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही थी डार्क सर्कल के लिए तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मैंने मंगाया था daraz.pk से, तो आप लोग भी daraz.pk से ऐसे मंगा के यूज़ कर सकते हैं और फिर जो है ना आप खुद देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। खैर, उसके बाद रात के टाइम हमने मंगाई थी फ्राइड फिश और पराठे, चपाती, रोटी। वैसे सर्दी में मछली खाने का अपना ही मज़ा है, पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। दोपहर में मैंने बनाई थी दही फुल्की, और फिर दोपहर के खाने में दही फुल्की खाई थी रोटी के साथ। उसके बाद फिर शाम में मैं नहाई थी तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, नहा के आने के बाद इतनी सर्दी लग रही थी कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाने की। तो रात में बाबा फिश लेकर आ गए थे, फ्राइड फिश, तो वही हमने खाया और एक पराठा बच गया था, तो रात में चाय के साथ हमने उसे एंजॉय किया। और उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे जुम्मे का दिन, और दोपहर में मैंने बनाया था आलू गोश्त। जुम्मे का दिन था और नमाज़ पढ़ने के बाद, मैं जुम्मे के दिन सूरह काहफ लाजमी पढ़ती हूँ और जुम्मे की नमाज़ के बाद सूरह काहफ पढ़ना बहुत ही फजीलत है और सुन्नत भी है। और नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ने के बाद फिर दोपहर का खाना, वैसे आज मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था क्योंकि मेरा मूड था चाट खाने का इस वजह से, और बाकी सब ने खाना खा लिया था। और मैंने मगरिब के बाद अपने लिए बनाई थी ये चना चाट, कल मैंने फुल्की बनाई थी तो फुल्की बच गई थी, और छोले जो है ना वैसे भी मैं बॉयल करके रखती ही हूँ फ्रीज़र में, तो फिर इस वजह से मैंने आज चाट बना ली थी और यही मेरा दिन का खाना था और यही मेरा रात का खाना था क्योंकि चाट काफ़ी हैवी हो जाती है। और उसके बाद मैंने पिस्ता रबली खाई थी, वैसे पिस्ता रबली मुझे पसंद है, सादी वाली भी अच्छी लगती है लेकिन पिस्ता वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन खैर रबली इंजॉय की। उसके बाद हो गया था 23 जनवरी, जब पूरे पाकिस्तान की लाइट गई हुई थी, लाइट नहीं थी, लाइट सुबह से चली गई थी, तो दोपहर में तो हमने खाना खाया नहीं था। शाम में मिशी ने पापड़ तल लिए थे, मेरा मूड था, मैंने यार दोपहर का खाना नहीं खाया तो पापड़ तल लो, वही खा लेते, पापड़ खाने का दिल कर रहा था। और वैसे भी ये वाले पापड़ हमें बहुत पसंद थे, कितने भी नए टेस्ट के नए नए वैरायटी पापड़ के आ जाए लेकिन इस तरह के पापड़ जो पुराने टेस्ट के हैं ना वो हमें ज़्यादा पसंद है। वैसे काफ़ी टाइम के इस तरह के टेस्ट के हम पापड़ देख रहे थे, अलग अलग जगह से लाए लेकिन वैसा टेस्ट नहीं मिला, तो अभी पापा लेकर आए थे कहीं से, तो इसका टेस्ट काफ़ी मज़े का है और हमें जो है ना काफ़ी टाइम बाद इस तरह के पापड़ अच्छे वाले खाने को मिले जिनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ हम अंधेरे में बैठे हुए थे क्योंकि सुबह से लाइट गई हुई थी और टॉर्च भी जो है ना बंद हो गई थी, पुराना ज़माना याद आ गया था कैंडल वाला, और ये एक मोमबत्ती इत्तेफाक से रखी हुई थी तो वही काम आ गई थी, वही जलते जलते फिर बुझ गई। और कैंडल लाइट डिनर आज हमने किया, वैसे ये कैंडल लाइट डिनर सारी ज़िंदगी जो है ना वो याद रहेगा। वैसे जब पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की लाइट गई हुई थी और मोमबत्ती मिलना मुश्किल हो गई थी, एक ही मोमबत्ती थी वो जल के ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद जब हम दूसरी मंगा रहे थे तो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, यही था कि पूरे एरिया में मोमबत्ती जो है ना वो ख़त्म हो गई है। खैर, फिर बच्चे को भेजा और वो काफ़ी ढूंढने के बाद एक कैंडल दूर से लाने में कामयाब हो गया था, तो वही कैंडल जला के हमने कैंडल लाइट डिनर किया। वैसे कैंडल लाइट डिनर
सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और इस कैंडल की अहमियत भी हर कितनी मुश्किल से मिली थी, और 10 रुपए की कैंडल जो है वो 30 रुपए में मिली थी। लाइट नहीं थी तो बाजार से ऑर्डर करके खाना मंगा लिया था और उसके बाद खाना खाया, और उसके बाद फिर ये भी ख़त्म हो गई थी। और रात में 2 बजे लाइट आई थी, शुक्र अल्लाह ताला के लाइट आ गई थी। यही था कि अगले दिन तक आएगी, लेकिन अगले दिन तक नहीं आई थी, उसी दिन रात में 2 बजे आ गई थी। और कुछ कुछ इलाकों में जो है ना वो अगले दिन तक आई थी। खैर उसके बाद हो गया था 28 जनवरी, 6 रज, जबकि नियाज लाई थी, चिकन बिरयानी बनाई थी और यहाँ प्लेट में नियाज के लिए निकाल रहे थे, नियाज हो गई थी। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिरयानी पैक की, खाना खाया और थोड़ा सा गाजर का हलवा खाया। फिर ये पिंजरी सैर शीरी की, वैसे इसमें मेवा थोड़ा कम था, ये गोंद है और मेवा जिस तरह से गोंद में होना चाहिए था उस तरह से नहीं था, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े की थी। वैसे ये सूजी जो है ना काफ़ी भुनी हुई थी। तो रात में खैर वही खाया था, और उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे, अगले दिन बिरयानी रखी हुई थी दोपहर में, लेकिन बिरयानी नहीं खाई थी, किसी ने सब्ज़ी बनी हुई थी वही खाई थी। और उसके बाद रात में हमने बिरयानी के साथ खाने के लिए बीफ हलीम मंगा ली थी कज़न से, कज़न भी आ गया था, फिर हम सब ने खाना खाया। वैसे हलीम बिरयानी का कॉम्बिनेशन अच्छा है, जब भी बिरयानी होती है तो ये होता है कि कभी बिरयानी एक टाइम में खाली जाती है और अगली बार में ये होता है कि फिर उसके साथ हलीम मंगा लो, हलीम बिरयानी, या फिर जब हलीम आती है तो उसके साथ में ज़ीरे वाले सादे चावल यानी जर्दे का रंग डाल के बना लेती हूँ, तो वो हमें अच्छे लगते हैं। और पुलाव के साथ भी हलीम अच्छा लगता है। तो ये हम सब ने खाना खा लिया था, और उसके बाद हो गया था चाय का टाइम। वैसे सर्दियों में डेली जो है ना या तो रात में चाय बनती है या कॉफ़ी बनती है, गर्मियों में तो वैसे भी ज़्यादा चाय पी नहीं जाती, एक ही टाइम ही पीने में आती है, लेकिन सर्दियों में 3-4 बार जो है ना वो बनी जाती है चाय या कॉफ़ी। और यहाँ पर सबके लिए चाय भी, एक कज़न चाय नहीं पीती तो उसके लिए ये कोल्ड ड्रिंक। और आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था, 5-6 दिन का व्लॉग। तो खुश रहे अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।